देन वी हैव थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, यानी कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि जब अपना सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये फोर टाइप के, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, मीन्स इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर उसमें, अगर वो स्टेट ए से बी में गया, अगर मेरा सिस्टम था ए स्टेट पे था, वो ए से क्या गया बी, यानी कि वहां पे एक्सपेंशन ऑफ गैस हुआ है, कंप्रेशन ऑफ गैस हुआ है, अगर मेरी गैस किसमें है, अगर एक कंटेनर में है विद पिस्टन है, तो अगर मेरा थ्रू आउट ए से बी स्टेट तक उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मैं उसको बोलता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबैरिक, इफ प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, इफ प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो। कहने का मतलब था कि डेल्टा टी क्या था, टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा पी जो चेंज इन प्रेशर था पी टू माइनस पी वन, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर क्या है जीरो। तो हम बोलूंगा ऐसा प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोबैरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाए जीरो, यानी कि फाइनल V2 माइनस V1 इनिशियल, पहले भी एक लीटर था, फाइनल भी वन लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा जीरो। लास्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच, इट इज द प्रोसेस इन विच देर इज नो फ्लो ऑफ फ्लो और एक्सचेंज ऑफ हीट Between system and surrounding, between system and surrounding, कहने का मतलब है in which heat remain constant, that is heat remains constant, delta या dq equals to, इसको हम q से represent करते हैं, change के लिए हम इसको यहाँ पे delta q या del q equals to zero, जो चेंज आएगा हीट के अंदर, ना तो सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करे ना ही उसको रिलीज करे, ऐसा प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, हीट एंड वर्क। देन वी हैव हीट। तो व्हाट इज हीट, हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। क्या मीनिंग इसका, कह रहा है ये एक मोड है एनर्जी को एक्सचेंज होने का। क्या हुआ, अगर मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंट, दो एक टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो कह रहा है कि वहां पर जो एनर्जी एक्सचेंज होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड वो किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक्चुअली क्या है, हीट इज नॉट एनर्जी, हीट इज नॉट एनर्जी, क्योंकि आप ये नहीं है ये याद रखना, हीट इज नॉट एनर्जी, इट इज मोड ऑफ एनर्जी। क्या मीनिंग है, हम ये बोल सकते हैं कि एक सिस्टम ए है उसके पास कम एनर्जी है 2 किलो जूल, लेकिन दूसरा सिस्टम भी है उसके पास 5 किलो जूल। हम बोल सकते हैं उसके एक के पास कम एनर्जी, एक के पास ज्यादा एनर्जी, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते एक के पास कम हीट है और बी के पास ज्यादा हीट है, बिकॉज जो इसके पास हीट की यूनिट, जो हीट के पास जो यूनिट है वो एनर्जी की है। तो हमें लगता है हीट एनर्जी, लेकिन हीट किसी एनर्जी की फॉर्म नहीं है, इट इज एक्चुअली एनर्जी इन ट्रांजिट, इनकी जो मोशन में है। जब मेरे पास ये सिस्टम था और यहां पर इसके पास ये सराउंडिंग है, जब ये अपनी एनर्जी इसको लॉस्ट करेगा, जब ये लॉस्ट हो रही है, तो यहां पर जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है। अगर इसके पास एनर्जी की यूनिट जूल होती, हम बोलते हैं इसको, इसकी जो हीट की यूनिट है, हम हीट को जो मेजर करते हैं वो कैलोरी में करते हैं, और नॉर्मल हम एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, उनको करते हैं जूल में। हम यहां पे एक रिलेशन आता है कैलोरी और जूल का रिलेशन, वो हम देखेंगे क्या होता है। तो इट इज एक्चुअली एनर्जी इन ट्रांजिट, इट इज नॉट एन एनर्जी, इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे में हीट या वर्क की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो यहां पर क्या हो गया, हमारे पास
इफ हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम देन क्यू इज पॉजिटिव. इसका साइन क्यू क्या है? हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव. और हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम देन क्यू इज नेगेटिव. सिस्टम हीट लॉस्ट कब करेगा? जब सिस्टम का खुद का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा. और सिस्टम हीट गेन कब करेगा? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा. तो फिर यहां पे आती इसकी यूनिट कैलोरी. कैलोरी क्या? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. कह रहा है कि 1 ग्राम वाटर को, जो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जब हम उसको जो हीट देंगे, जो हीट करेंगे, उसको बोलते हैं 1 कैलोरी. और 1 कैलोरी का जूल के अंदर कन्वर्ट करते तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल. अब हम देखते हैं कि अब ये जो हीट है जो एक्सचेंज हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये 3 मोड से हो सकती है, यानी कि 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. फर्स्ट इज रेडिएशन. रेडिएशन का मतलब क्या है? व्हेन हीट लीव्स हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट बॉडी एंड कम्स टू यू विदाउट एनी मीडियम. फॉर एग्जाम्पल, सन से लाइट आती है. सन से क्या आ रही है हमारे पास? लाइट. उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं. सेकेंड इज कन्वेंशन. कन्वेंशन मीन्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मीडियम. यहां पर जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का, वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स. क्या हुआ? अगर आप वाटर को हीट करना चाहते हो, आपने यहां पे बर्नर लगाया तो वाटर था यहां पर, तो हमें पता चलेगा यहां पर क्या है, पहले हॉट होगा, ऊपर वाला क्या है? कोल्ड. अब क्या होगा? हॉट ऊपर चला जाएगा, इसके वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और कोल्ड वाले कैसे होंगे? नीचे. तो ये गर्म होता रहेगा और पानी कहां चला जाएगा? ऊपर. और ये ठंडा वाला कहां है? नीचे. इसका मतलब जो यहां पर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहां से ऊपर, वो एक्चुअली किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू मोशन ऑफ मीडियम. एंड थर्ड वाली इज कंडक्शन. कंडक्शन रेट, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड. अगर मेरे पास एक आयरन रोड है, इसको मैंने एक साइड से यहां से गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके पास ये ज्यादा हीट होगा और फाइनली क्या होगा? हीट फ्लो होगी मेरे हॉट से, यहां पे ये हॉट एंड हो जाएगा, ये कैसा? कोल्ड. जब एक ही सिस्टम के अंदर हॉट से कोल्ड एंड की तरफ मेरी हीट फ्लो होगी, उसको बोलते हैं कंडक्शन. फिर भी क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट एक्चुअली इज हीट? भाई ये हीट है क्या? ये एनर्जी नहीं है, ये मोड ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो हम देखते हैं कि भाई कैलोरी क्या था और ये जूल क्या है. यूनिट्स तो इसकी हमारे पास किसकी है? एनर्जी की. तो हम विद द हेल्प लेते हैं किसकी? मैकेनिक्स की. हम मैकेनिक्स की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं. मान लें कि हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ½mv² है, इसकी भी यहां पर ½mv² था, इनकी पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 क्योंकि ये मूविंग था, और इनका कोलिजन हो गया. कोलिजन होने से क्या हुआ? इनकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई और इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0. लेकिन यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो मेरा फॉलो ही नहीं कर रहा. यहां पर नो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा और मोमेंटम होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. लेकिन हमें यह पता है व्हाट एवर हैपन्स, यहां पर कुछ भी हो, यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर राइज हुआ. यहां पर हमें नहीं मालूम क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन हमें इतना मालूम है कि कोलिजन के बाद इसका टेम्परेचर राइज हो गया. तो हमने क्या देखा? मैकेनिकल एनर्जी लॉस इक्वल्स टू थिंग्स हीट अप. कि जब मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट होती है तो जितनी भी चीज होती है वो क्या हो जाती है? हीट. या हम बोल सकते हैं व्हेन वी लूज मैकेनिकल एनर्जी, जब भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी का लॉस्ट होगा, इट चेंज इन सम काइंड ऑफ कैलोरीज. कि ये किस में चेंज हो जाएगा? जो मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट होगी वो किसी ना कुछ या किसी प्रकार की कैलोरी में क्या हो जाएगा? चेंज. तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली जूल है क्या? जो मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट क्या था? जूल था. इट इज द एनर्जी विच यू कैन सी, ये वो एनर्जी जिसको हम देख सकते हैं. लेकिन कैलोरी क्या है? दिस इज द एनर्जी विच वी कांट सी, इसको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम देख नहीं, यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही थी, वो मूविंग था, लेकिन यहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा. तो हमने बोला कि जो इसकी यहां पर मैकेनिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई? हीट में. और वो हीट के अंदर हीट की यूनिट क्या हो गई? कैलोरी, बिकॉज वी कांट सी. तो फाइनली वी कैन से व्हेन यू लॉस्ट फिक्स अमाउंट ऑफ जूल, व्हेन वी लॉस्ट फिक्स अमाउंट ऑफ जूल, जब हमारा एक फिक्स नंबर ऑफ जूल का लॉस्ट होगा, वी गेट फिक्स नंबर ऑफ कैलोरी. तो हमारा वहां पर कुछ ना कुछ कैलोरी हमें दिखाई देंगी. तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन था 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल कैसे आया. ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जूल नाम के साइंटिस्ट. जूल ने एक्सपेरिमेंट किया. जूल ने क्या, ये कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया, उसके अंदर ये रोड लगाई जिसके ऊपर क्या हमारे पास इस तरीके से ये बेल्ट था,
उसने यहां पे वेट लगाया, इस वेट की हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, वो किसके इक्वल है, mgh के। अब उसने क्या किया, इस वेट को यहां से नीचे तक क्या किया, फोल्ड करवाया। तो जब ये नीचे फोल्ड करेगा तो यहां पे जो ब्लेड्स है टर्न आउट करेंगी, मूव किया। जब इन्होंने मूव किया तो मैकेनिकल वर्क हुआ, इस मैकेनिकल वर्क से इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हुआ। अब यहां पे जब ये नीचे आएगा तो इसकी कुछ ना कुछ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। जब हम लोगों ने डिफरेंस किया इस पोटेंशियल एनर्जी उसने काइनेटिक एनर्जी का, तो यहां पर आए दिस इज इक्वल टू डेल्टा। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क जिसने इस वाटर का टेम्परेचर को क्या किया, राइज। तो हमने बोला कि डेल्टा क्यू गिव सम कैलोरी विच आर पंप आउट इन वाटर। तो यहां पर जब उसने सभी की वैल्यू रखी हमारे पास, तो हमारे पास आया कि यहां पर जो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल, क्योंकि यहां पर हमारे पास मैकेनिकल वर्क हुआ था उसकी यूनिट थी जूल। तो फाइनली उसने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला कि जो 1 कैलोरी किसकी को होगी, 4.184 जूल की को। और हम दूसरा देखें, कैलोरी का फॉर्मूला होता है कैलोरी, जो नंबर ऑफ कैलोरी इक्वल्स टू एम से डेल्टा टी। एम क्या है, मास। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या हुआ, अब यहां पे सी के स्पेसिफिक हीट, अगर मैं बोलते कि दिस इज द टेम्परेचर, यानी कि हीट रिक्वायर्ड, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं किसी भी एक सब्सटेंस का, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। ये सभी सब्सटेंस की फिक्स होती है। वाटर के लिए क्या है, सी की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम, तो मेरे को 1 कैलोरी रिक्वायरमेंट होगा अगर मैं 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना चाहता हूं। मान लिया मेरे पास ये फिक्स हो गया, आयरन का अलग है, कॉपर का अलग है। अब क्या हुआ कि माना हम लोगों को कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना चाहता हूं 1 ग्राम वाटर का। जब मेरा मास की वैल्यू तो क्या रहेगी, 1 ही ग्राम रहेगी। सी की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, 1 ही है, लेकिन जो टेम्परेचर है 7 डिग्री। इसका मतलब जब मैं 1 × 1 × 7 करूंगा, यहां पे जो डेल्टा टी क्या था, 7 था, जब मैं करूंगा तो मेरे पास वैल्यू डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी 7। इसका मतलब मेरे को 7 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है अगर मैं 7 डिग्री से क्या करना चाहता हूं, टेम्परेचर राइज। तो ये फॉर्मूला था नंबर ऑफ कैलोरी, यानी कि जो हीट हमारे पास रिलीज हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, वो क्या, एमसी डेल्टा टी। तो फाइनली हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि एनर्जी, यानी कि जो हीट है, हैज यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम बोलते हैं जूल के अंदर, हम बोलते हैं किसी सिस्टम के अंदर कम है या ज्यादा, लेकिन हम हीट की फॉर्म में नहीं बोल सकते कि उसके अंदर कम है या ज्यादा। तो हीट is actually not energy but have units of energy. ये क्या है, it is energy in transit, यानी कि जो motion में है। जब मैंने एक energy exchange की system और surrounding में, तो एक form के अंदर हुई energy exchange, वो form क्या थी, heat थी। Then next we have work. Work is another mode of energy exchange between system and surrounding as a result of pressure difference. Same, work के भी unit हमारे पास energy की है। वर्क क्या है, ये एनर्जी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते सेम कि इस एक सब्सटेंस ए के पास ज्यादा वर्क है या बी के पास कम वर्क है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्या हुआ, ये भी एक मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है कि जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, और अगर दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे जो एनर्जी एक्सचेंज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क होगी। और जनरली अब क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फिजिक्स में पढ़ा है। अब हम बोलते हैं वर्क इज इक्वल्स टू, हम वर्क का दो साइन देते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अगर हम बोलते हैं वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी, इफ अगर वर्क सिस्टम करता है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्या हुआ, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम होगी तो हमने क्या साइन दिया, नेगेटिव। ये साइन क्या बता रहा है कि उसको सिस्टम ने काम किया है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है गेन। अगर सिस्टम के ऊपर काम होगा, उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, और वर्क कौन करेगा, सराउंडिंग, तो हम बोलेंगे कि उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्क आता है जिसको हम बोलते हैं पीवी वर्क, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या हुआ, क्या मीनिंग है इस वर्क का, ये जो वर्क है ये एक्चुअली पीवी वर्क ही है हमारे पास। अब ये एक्सपेंशन कब होगा या कंप्रेशन कब होगा, अब देखते हैं। मान लिए कि हमारे पास एक ये सिलेंडर था, इसके अंदर हमने गैस भरी हुई है। अब इसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन इस पिस्टन का ए है। यहां पे जो अंदर गैस है वो क्या है, उस जो गैस है उसका प्रेशर जो जनरेट किया उसने पी किया हुआ।
अब क्या हुआ, अगर हमारा जो भार से, अगर इस भार इस वेट के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर मैं या प्रेशर नहीं लगाऊंगा या वेट नहीं लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, अपने आप उठ जाएगा और गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस पिस्टन को यहां पे रखने के लिए हमने बाहर से क्या लगा रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर। और अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी अगर है, तो ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, ना तो ये अप जाएगा ना ये नीचे जाएगा। इसका मतलब जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब हमने क्या किया कि जो P एक्सटर्नल को क्या मत है, इस स्लाइटली लेस देन P, अगर P जो एक्सटर्नल जो हमने ऊपर से अप्लाई किया हुआ था इसको थोड़ा सा कम कर दिया, तो क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव होगा। तो कितना मूव किया, DL। इसका मतलब इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो क्या किया, DL। तो हमें पता है जो फोर्स ऑन पिस्टन, इस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ऊपर से हमने कितना लगा रखा है, P एक्सटर्नल इंटू A, यानी कि प्रेशर पर यूनिट एरिया, क्योंकि प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो क्या था, P एक्सटर्नल, जो बाहर से हमने लगा रखा है, कितने एरिया पे लगा रखा है, A पे लगा रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, P into A, तो ये P क्या है, P एक्सटर्नल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें पता है कि क्योंकि जब ये एक्सपेंशन, क्योंकि P एक्सटर्नल स्लाइटली क्या था, लेस, बहुत थोड़ा सा ही कम है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये बहुत कम होगा। तो हमने क्या बोला, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने लिखा है। ये क्या हो गया, फोर्स, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डीएल। तो अब यहां फोर्स की वैल्यू पुट अप करेंगे, पी एक्सटर्नल इनटू ए, तो यहां पे इसको डेल साइन, क्योंकि हमने डेल्टा वर्क लगाया क्योंकि स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता, तो डेल डब्ल्यू इसका सिंबल लगाया, तो क्या हो गया, पी एक्सटर्नल ए इनटू डीएल। अब क्या हुआ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये थोड़ा सा स्मॉल चेंज था डिस्प्लेसमेंट में, तो ये वॉल्यूम में चेंज क्या स्मॉल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी। तो डेल डब्ल्यू क्या गया, पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। अगर मेरा वॉल्यूम एक्सचेंज करूं, मैं ज्यादा कर देता और मैं बोलता मेरा वी वन से वी टू वॉल्यूम एक्सचेंज हो गया, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो डेल्टा डब्ल्यू का क्या हो गया, डब्ल्यू। तो ये वी वन से वी टू जब इंटीग्रेशन करेंगे, डीवी का क्या वी और वी टू माइनस वी वन, तो डब्ल्यू क्या हो गया, पी डेल्टा वी, यानी कि जो वर्क होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इज इक्वल टू पी डेल वी। इसको हम बोलते हैं पी वी वर्क, एक्सपेंशन वर्क और कंप्रेस। अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब है ये जो इसने एक्सपेंशन वर्क किया है, एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम कर रहा है। अगर ये कंप्रेशन का होगा, कंप्रेशन का मतलब अब क्या काम कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रही है, कंप्रेशन इसको नीचे लाएगा, इसका मतलब सराउंडिंग ने काम किया है, सिस्टम पे हुआ है, तो इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये वर्क भी हीट की ही तरह है, दोनों याद रखना है हम लोगों के, हीट एंड वर्क आर मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ये मोड है एनर्जी, जिससे एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है केवल इन्हीं दो फॉर्म्स में, एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि मेरी बॉडी के अंदर कितना वर्क है या मेरी बॉडी में कितनी हीट है। मैं बोल सकता हूं कि मेरी एनर्जी, मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी है। तो अभी तक आप लोगों ने बेसिक्स टर्मिनोलॉजी किया था ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड डिफरेंट एनर्जी की टर्म्स को, लाइक इंटरनल एनर्जी, देन गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी।